by actors in partnership with the 48 hour film project. And I'd leave it to Sushant to just brief you on everything, and then after that I'll just brief you on what are we actually doing across those 2 days, and why we started doing this and stuff is something that Sushant will take you over here. Good morning. Thank you so much for coming. जैसे आप यहाँ इंतजार कर रहे थे, हम भी 11 बजे से ऑफिस में वेट कर रहे थे कि शायद अटेंडेंस और बढ़ जाए. नेवर माइंड, जितने भी लोग हैं हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ओकेजन बहुत इम्पॉर्टेंट है. चाहते तो सिर्फ एक प्रेसर भेज करके भी अनाउंस कर सकते थे, बट वी वॉन्टेड टू कि आपसे रूबरू बातचीत करें, क्योंकि पहला मौका है शायद काफ़ी समय बाद. बहुत पहले सेंटा ने एक शो ऑर्गेनाइज किया था, उससे काफ़ी पैसा रेज किया था. अब बहुत बाद जब भी सिंटा का नाम आता है तो मोस्टली कोई प्रॉब्लम होती है तो सिंटा का इस पर क्या कमेंट है, फलां एक्टर को तकलीफ़ हुई, फलां प्रोड्यूसर को तकलीफ़ हुई, सिंटा इसमें क्या कर रहा है. तो ये थोड़ा खटकता था हम लोगों को. 2015 से जब से आए तो एक ये रियलाइज़ किया कि इतना बड़ा टैलेंट बैंक है हमारे पास, एक्टर्स हैं सब, एक्ट्रेसेस हैं, तो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं हम. कभी आए नहीं किसी के दिमाग में, हमारे दिमाग में भी थोड़ा देर से आया. फिर वर्कशॉप शुरू की धीरे धीरे, एंड एक डेस्परेटली ढूंढ रहे थे कि हमारा अपना एक सेलिब्रेशन होना चाहिए. स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स होते हैं US में, हम लोग क्यों कुछ ऐसा नहीं करते हैं. सो होते 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 ये आइडिया ज़ीरो इन हुआ. 48 आवर फिल्म प्रोजेक्ट, योगी चोपड़ा ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए कि एक्ट फेस्ट, और वो क्लिक कर गया क्योंकि हर कला का अपना एक फेस्टिवल है. म्यूज़िक का होता है, बहुत सारे होते हैं, डांस के बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक्टिंग, एक्टर्स सब जगह जाते हैं, वो एक फेस्टिवल का पार्ट होते हैं, किसी पैनल डिस्कशन में होते हैं. एक्टिंग को कौन सेलिब्रेट कर रहा है? कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा. कोई अवार्ड फंक्शन हो जाता है, वहाँ बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बाकी एक्टर्स सेलिब्रिटीज़ के तौर पर बैठ करके ताली बजाते हैं, शो की शान बढ़ाते हैं, पर हमारी कला का सेलिब्रेशन ही नहीं है और दुनिया में कहीं नहीं है. सो द आइडिया वॉज फैंटास्टिक, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. उम्मीद नहीं थी कि क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, बट वी आर वेरी हैप्पी टू से कि हमारी कम्युनिटी से, फ्रेटर्निटी से जो रिस्पॉन्स मिला है, कुछ ऑलमोस्ट मोर देन 60 एक्टर्स एक्ट्रेसेस फ्रॉम टेलीविजन एंड मूवीज ओवर द पीरियड ऑफ 2 डेज दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस फेस्टिवल, एंड प्लस गेस्ट्स मिला करके कुछ 75-100 एक्टर्स एक्ट्रेसेस अंडर वन रूफ ओवर अ पीरियड ऑफ 2 डेज, राइटर्स, क्रिटिक्स, दे ऑल कमिंग टुगेदर, दे ऑल वेरी एक्साइटेड. सो हमारी तरफ से तो वी ऑलरेडी फील वेरी सक्सेसफुल. कम्युनिटी इज़ वेरी एक्साइटेड कि अरे ऐसा कभी किसी ने सोचा ही नहीं, फैंटास्टिक. आपस में मिलेंगे, बात करेंगे, शेयरिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज. बेसिक आइडिया इज नॉलेज, क्योंकि आप एक एक्टर से, एक्ट्रेस से बातचीत भी करते हैं, परफॉर्मर कहूँगा, बार बार एक्टर एक्ट्रेस कहना पड़ता है, परफॉर्मर कहते हैं यहाँ, चलिए, बातचीत भी करते हैं, उनकी जर्नी ही जानते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एजुकेशन होती है. इस फील्ड में सर्वाइव करना, सक्सेसफुल होना, बार बार फेलियर देखना, वो हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा है. तो बातचीत है परफॉर्मर्स के साथ, पैनल डिस्कशंस हैं बहुत सारे, राइटर्स के नज़रिए से पैनल डिस्कशन है, कास्टिंग डायरेक्टर्स के नज़रिए से, कास्टिंग डायरेक्टर्स और एक्टर्स का क्या रिश्ता है, क्रिटिक्स और एक्टर्स की जो एक लव हिट जर्नी है वो रिश्ता भी है. इसके अलावा अलग अलग तरह की एक्टिंग है, स्टेज पर अलग होती है, सिनेमा में आते हैं तो वो ट्रांजिशन क्या है, रजित हैं, नीना गुप्ता हैं, सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट बहुत लंबी है, उसके बारे में विस्तार से अमित ज़्यादा बता पाएंगे, क्योंकि आई एम मोर ऑफ अ सुपरवाइज़र हेयर. जहाँ आग लगती है तो मैं वहाँ आग बुझाने पहुँच जाता हूँ, बट मेन ऑर्गेनाइजेशन का काम योगी की टीम और अमित और हमारी कोर टीम, पायल, दीपक काजिर, अभय, अयूब, फैंटास्टिक टीम, वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस टीम जो खड़ा किया है 2 दिन का फेस्टिवल. अब लग रहा है कि शायद 3 दिन करना चाहिए था, क्योंकि इतने रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं सामने से, हमारे मेंबर्स आकर के बोल रहे हैं कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ऐसा सेशन लेना चाहता हूँ. सो अब सबको बोलना पड़ रहा है कि अगले साल, बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक इट एन एनुअल इवेंट. ये हर साल होगा और कोशिश करेंगे आगे चल के कि ये एक इंटरनेशनल हो. इसमें बाहर से जो हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एक्टर्स है, SAG AFTRA है, उन सब का सपोर्ट है. सो बाहर के एक्टर्स भी यहाँ आएँ, इंटरेक्शन हो, क्योंकि हमारी कम्युनिटी, हमारे एक्टर्स को भी अब इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन मिलने लगा है. सो ये आदान प्रदान जो पहले होता था कि क्रॉस ओवर सिनेमा कहा जाता था, अब तो बहुत कॉमन सी बात हो गई है.
हमारे इरफान हैं या निमरत हैं, इस तरह के लोग इंटरनेशनल सीरीज और प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। और आगे चल करके ये एक स्टेपिंग स्टोन अभी हमारे लिए है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए। सो जिस तरह से स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड होते हैं, सिंट आई वुड लाइक टू एस्टैब्लिश एन अवार्ड डेडिकेटेड सोलली टू आर कम्युनिटी, एक्टर्स फ्रॉम टेलीविजन, वेब, मिनी सीरीज, फिल्म्स, थिएटर, टोटली डेडिकेटेड टू एक्टर्स। सो उम्मीद करते हैं कि विद इन अ ईयर और सो हम शायद उस तरफ आगे बढ़ पाएंगे। और एक और बड़े फख्र की बात है जो बहुत समय से हम सब के दिमाग में आइडिया था कि हमारे ऐसे बहुत सारे सीनियर कलाकार हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत है सिनेमा में, टेलीविजन में, थिएटर में, लेकिन चूंकि वो कभी सो कॉल्ड स्टार्स नहीं रहे या सुपर स्टार्स नहीं रहे, फिल्में उन्होंने की हैं सैकड़ों, 300-350 फिल्में की हैं, टेलीविजन सीरीज की हैं, लेकिन उन्हें कभी कहीं कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट या इस तरह का कोई रिकॉग्निशन कहीं नहीं मिला। सो हॉल ऑफ फेम अवार्ड इस साल से हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, हमारे 15 सीनियर वेटरन कलाकार उनको सम्मानित करेंगे, उनकी लिस्ट भी अमित आपको बताएंगे। सो मेरे लिए, हम सब के लिए वो सबसे फख्र का विषय है। और जिन जिन मेंबर्स को हमने सूचित किया कि सर मैडम आपको इस बार हम ये सम्मान दे रहे हैं, दे वर वेरी वेरी हैप्पी कि आखिरकार सालों बाद किसी ने याद किया। सो लिस्ट आई लेट अमित टेक ओवर। थैंक यू सुशांत, आई विल जस्ट टेक यू ओवर कि ये दो दिन में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज व्हेन योगी गॉट अस द प्रपोजल, योगी एंड हिज टीम, योगी एंड प्रीति एंड मोमिता एंड काम्या, हमें भी नहीं मालूम था कि हम क्या करेंगे। सो वी हैव जस्ट मैनेज टू पुट इन द फर्स्ट एडिशन एंड वॉट एवर केम टू आवर माइंड, एक्टर्स केम टू अस के वाई नॉट दिस, क्रिटिक्स केम टू अस के ये क्यों नहीं डालते आप। फॉर एग्जाम्पल, वी आर वेरी इंटरेस्टिंग पैनल कॉल्ड क्रिटिक्स एंड एक्टर्स अ स्ट्रेंज लव स्टोरी, वर दी फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड ऑफ इंडिया विच इज राजीव वसंत, रोहित खिलनानी, अजय ब्रह्मात्मज एंड भारती प्रधान इन कॉन्वर्सेशन विद स्वरा भास्कर एंड होपफुली वील हैव ए डायरेक्टर ऑन बोर्ड। सो वी जस्ट गेट अ कन्फर्मेशन फ्रॉम मिस्टर राजकुमार गुप्ता बिकॉज सो इज गुड बी अ वंडरफुल मॉटली ग्रुप ऑफ पीपल टॉकिंग। वी गॉट अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पैनल एंड अमोल इज इन द राइटर्स पैनल और द राइटर्स पैनल इज गॉट फ्रॉम पेन टू परफॉर्मेंस। So that's got, it's backed by the Screen Writers Association. So Sanjay Chauhan and Abhijit Deshpande, Zama Habib and Sunil Salgia, Amol Gupte and Mayur Puri. That's a very interesting motley group of people discussing pen to performance. Because writers ka, writer ka kya perspective hota hai. TED Talks mein, for example, Ashish Vidyarthi has got a very, because you know, it's primarily handling failures. It's named something else, but it's called, How in Changing Times Actors Reinvent. Ek Rubaru session hai, jisme Manoj Bajpayee and Sushant, who working with each other from Con and Satya, maybe they'll discuss their journeys together. Neena Gupta and Rajit Kapoor, two performers who have traversed mediums and have been colleagues for such a long time, unka ek Rubaru session hai. A very old friend of ours, Ronit Roy, who obviously my senior in television, but I will take him through a journey, a rubaru with him. Ronit will discuss his journey, how he's tackled various mediums, highs and lows. We've got another interesting session, Comedy is Serious Business, with Rajesh Hirji and Kavita Kaushik and Ali Askar and Sushmita Mukherjee. Our opening session is very interesting, which is Hasna Mat Veerji with Johnny Lever, Jamie Lever and Rajesh Hirji, which is very interesting. Because where they're going to just let themselves, be. And Johnny Bhai ko hum sab jante hain, to humare pehle, he was the president of Cinta also at the same time. He is considered to be the father of stand-up. So his perspective is very important. I think the press release has a lot of things. We've not been able to include a lot of people who wanted to come from other fraternities, not only actors. Ke hum bhi ek, kuchh ye actor jo ek jeev hai, इसको हमेशा होता है कि आपका रोल कैसा लगा आपको इस फिल्म में, या आपने ये कैसे किया, ये कंट्रोवर्सी के बारे में आपने क्या किया, या आपका ये अफेयर था, या फिर आपकी एक अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम थी, या दिस पर्सन टुक ड्रग्स। इसी पे हम एक्टर्स हमेशा स्क्रूटनी के अंडर रहते हैं। वी थॉट कि वाई आर वी नॉट सेलिब्रेटिंग आवर ओन फ्रेटर्निटी, वाई आर वी नॉट सेलिब्रेटिंग दिस ग्रेट क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग। इट इज एंड लॉट ऑफ पीपल हु आर जस्ट लुकिंग एट इट एज ए ग्लैमर इंडस्ट्री. Okay, there is a lot of glitz and glamour attached to it, which is why some of us do come in.
but there is more to performing arts. That's why a lot of knowledge series. That's why we've got a very interesting workshop on a new art form, which is actually a very old art form. Deepal Joshi is doing something on comedy della arte, which is discovering the nuances of this great art of comedy. We have a workshop on stunts by a very senior, somebody who was president of the Stuntmen's Association and also our executive committee member, Rashid Mehta. Ahmed Khan has been very graceful enough to do a workshop for us. And Mr. Paulson will be doing two dance workshops for us. And what is great is that none of these celebs we've got, as Sushant ne aapko bataya tha ke 65 ke aaspaas celebs hai, nobody's charged us a single penny. They've just come here because they believe that the cause that we're doing, whether it's our cause or the cause that Yogi's company, which is CANCOM and 48R, because they're also doing something very interesting. They organize the Anifest, they organize the 48R film project. He's the head of the 48R chapter in India. Synergy yahan bani hai ki bhai the team says ki let's do a, I think I should use the word, a kick-ass two-day show, irrespective of whatever money is coming. And it should lead to, as Sushant ne bataya, to the Cinta Awards, which is on the lines of the SAG Awards, because SAG-AFTRA hamare affiliates hain. So all the principal actor associations in the world are also surprised, pleasantly surprised, ki hum log is tarah ka kuch kar rahe hain, jisme comedy se leke web, now we've got two sessions on TV, which is acting on television really, and we've got another session which is called Whose Soap Is It Anyway, where people from different generations in a way will be discussing two very important aspects of television, which is followed by a question answer session of Sushant and Gaurav Banerjee, who's head of fiction Star India. We've got a section on transcending barriers in terms of mediums. So Kubra Seth and Amit Saad and Amit Sial with Flora Saini. And post that is a conversation with Nikhil Madok, who's head of Hotstar, because the web series, OTT platforms are growing day by day. There is a certain gap which the OTT is filling. Jo logon ko lagta tha ki agar television thoda sa digressive ho raha hai, cinema mein itni opportunities nahi ho rahi hain. So web series on good OTTs with decent budgets are offering you great content. We've just seen it with the success of things like Breathe and Sacred Games and Mirzapur and all the stuff that... So we've also got Sumit Vyas, who's also been a pioneer actor after his permanent roommate. So TVF, his journey. And then we've got actors who've transcended language barriers with people like Pavan Malhotra and Divya Datta and Ravi Kishan and Manoj Joshi and Sudhanshu Pandey, and which is moderated by Renuka Shane. We've got another thing which is called Hindi Medium, where we've got Deepak Dobriyal and Kumud Mishra, which is very interesting. Bhai, Bombay Sheher, jaise bhi, matlab, mere liye kabhi kabhar ho jata hai kathin, jab Sushant Hindi mein bolte hai, Mangrezi mein bolte hai, keeps on telling me ke, go easy on your English. But I do think in English. So many a time what happens is that people coming from inherently the Hindi belt, aur hum kaam karte hai Hindi mein, lekin jab yahan par aakar ek Angreziyat aapke muh par ek mari jati hai, to how do you cope with this? People who come in from very trained backgrounds like the Bharatendu Natak Academy or the National School of Drama, but they've come out from this close atmosphere right into this big bad world of Mumbai and Bollywood. How they, what are the turmoils, the turbulence, what are the kind of maybe funny incidents that they've faced. So overall, and of course, like Sushant said, that we are honoring people like Ramesh Dev, Seema Dev, Viju Khote, Shubha Khote, Pental Saab, Surekha Sikri Ji, Nimmi Ji, Baby Farida, which we call Farida Dadi, Surekha Sikri Ji, then Tabassum Ji. Ye, like Sushant ne bataya ki these people have contributed so much to the field of performing arts. But they've not really been honored on those platforms, which for whatever reason, they must have been nominated or not nominated, but they've been tirelessly working. Jaise us din Tabassum ji keh rahi thi ke bhai, I started as Baby Tabassum, aur main aur Amin Sayani sahab, we were the founders of the big daddies of Indian radio. And she created this great niche, Phool Ke Liye Gulshan Gulshan, hum sab ke bachpan mein ek bahut bada ek aisa cheez hai jo aaj bhi zehen mein rehta hai. She created a mark in the field of anchoring. So we've just tried to do that, and we've been very, very fortunate that, you know, Whistling Woods has come in as a knowledge partners, because they are the premier educational institution in the field of media and entertainment. Star and Hotstar have come in together. We were not expecting such a great response in terms of people coming in. Neither was Yogi, nor was Sushant, nor was we, nor was our core team. But the way the fraternity has accepted us, we're very confident that after this edition, next year's edition is going to be a three-day edition.
And we will do the Senta Awards within the next 365 days. Before I wind up this thing, I'd like to show you two videos which are essential. We've just made it for the ACTFest. And so, if Preeti, could we have the video? Yes. Yeah, thanks. और विजया मेहता जी हमारी चीफ गेस्ट हैं बिकॉज 1958 में दुर्गा खोटे जी थी और उनकी डॉटर इन लॉ विजया मेहता जी तो विजया भाई आएंगी उनके बारे में कुछ बताएंगी एंड सारा अली खान हैज़ काइंडली अग्रीड टू ग्रेस द ओकेजन एज गेस्ट ऑफ ऑनर सो वी थैंक बोथ ऑफ देम एंड क्लोजिंग 16th इवनिंग को होगी बहुत सारे गेस्ट हैं विक्की कौशल हैज़ अग्रीड टू grace us as chief guest and Jimmy is flying down from Punjab to just participate for the closing and apart uske alawa baki sare bahut sare guests hain so aap sabka swagat hai please aaiyega support us and that's about it thank you so much aap Q&A jo bhi aap sawal puchna chahe now the stage is open Amit ji aap batane wale the ki kaun kaun se senior actors hain jinhe is saal sammanit kiya jayega so once again let me So there's the list is here. Yeah. यहाँ पर है वैसे चंद्रशेखर जी डेजी रानी जी जगदीप जी फरीदा दादी जी कुलभूषण खरबंदा निम्मी जी पेंटल साहब राजेंद्र गुप्ता रमेश देव सायरा बानू सीमा देव शुभा खोटे सुरेखा सिकरी तबस्सुम एंड विजू खोटे नहीं हमने क्या है कि जैसे भी सुशांत ने कहा ना कि इनको उस तरह का मतलब Everybody knows them, respects them in batches of two. Across 2 days in the main auditorium and the main area, ek jab ek main panel khatm hoga, uske baad in batches of two, unki availability aur convenience ke hisab se humne koshish ki. Kuch jaise Kulji is in Amritsar right now. To hamari team Chandigarh se gayi hai, Kulji ko wahan par award present bhi karenge, unka bite bhi lenge, we'll, and somebody will take the award on his behalf. Ashok Shekhar ji, who's renowned executive producer, jo Chandrashekhar ji ke bete hain, वो आके चंद्रशेखर जी का अवार्ड लेंगे जैसे हम डेजी आंटी के घर पे जाएंगे और रमेश देव सीमा देव खुद आ रहे हैं शुभा जी और विजू जी खुद आएंगे और जैसे एक और अवार्ड के लिए आई थिंक वी हैव गॉट निमी जी आएंगी सायरा जी के लिए अयूब खुद जाएंगे उनके घर पर और आई थिंक सुरेखा जी की तबीयत बहुत ख़राब है तो वील गिव इट टू हिज टू हर सिस्टर जगदीप जी के लिए नावेद जाफरी खुद आएंगे अवार्ड लेने के लिए दिस इज हाउ वी प्लान्ड इट इन बैचेस ऑफ टू दैट इज हाउ इट इज जब न्यू एक्टर्स आते हैं तो वो अपने राइट से अवगत नहीं होते तो आपने किसी ऐसे सेशन रखा नहीं है जिसमें उन्हें पता चले कि उनके क्या राइट्स है क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज्यादा उनकी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एक्चुअली थॉट अबाउट दिस दिस इज समथिंग दैट सुशांत एंड मी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन इन फैक्ट Payal was of this opinion that we must do this we must do something on sexual harassment on rights and we've just realized this is the first edition let's celebrate the actor and the performer throughout the year we will be doing workshops and panel discussions and counseling sessions on rights and we've already done a very you all are aware and you all have been a great support for us when it comes to our fight for the Me Too movement and our struggle for it But we thought that let's celebrate the performer, and anyway, in terms of rights, a lot of stuff is available on our website. But yes, it's very relevant and pertinent. Next year, we want to do it because, as Sushant just mentioned, our affiliates from SAG-AFTRA, UNIMAI, FIA, the top acting unions of the world, will be here with us, and they will be able to. जैसे हम कहते हैं ना कि दुनिया भर में performers के क्या हक हैं उनसे अवगत करवाएंगे, and obviously they'll be coming and meeting the major stakeholders. और जब भी आपने देखा है जो लेस यूनाइट वीडियो है व्हाट वी ट्राइंग टू डू इज फर्स्ट लेट्स सेलिब्रेट द एक्टर लेट्स अंडरस्टैंड हिज और हर हाईज लोज टर्मोइल्स एंग्विशेस बट वी विल कम टू दिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चन दैट यू रेज्ड आप कुछ ऐड करना चाहेंगे साल भर ये वर्कशॉप्स हम करते रहते हैं ऑलरेडी सेंटा ऑफिस में जो कि ऑब्वियसली वो इट्स नॉट इन पब्लिक डोमेन हमारे मेंबर्स को मैसेज जाते हैं सो फ्रॉम सेशंस विद आर लीगल एडवाइजर हमारे साथ सेशंस कॉन्ट्रैक्ट समझना सो दैट कीप्स हैपनिंग बट यस फॉर फ्रेश एंट्रेंट्स जो हमारे मेंबर्स भी नहीं हैं बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस फेस्टिवल इज ओपन टू ऑल
This is not just for Cinta members. It's open to the general public and also senior citizens, 65 plus. It's free for them. Very important because our philosophy has been that once you're a senior citizen, matlab aapne samaj ke prati apna jo kartavya hai, daitva hai, aap nibha chuke hain, ab samaj ki zimmedari hai, aapke liye kuch kare. So hence we've kept it free for all 65 plus people. Please tell your parents, grandparents, uncles and aunts, come, they are most welcome. बाकी तो अमित ने कह ही दिया है और अगले साल हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स साथ में होंगे तो ये ज़्यादा मज़ेदार सेशन होगा जो आपने कहा है विल डेफिनेटली हैव इट यस देखिए इसी दौरान होगा बिकॉज न्यू ईयर के लिए ज़्यादातर सब लोग बाहर चले जाते हैं छुट्टी के लिए मौसम ज़रा ठीक रहता है इस वक्त सो पहले इस साल का एक्सपीरियंस देख लें कितने लोग आ रहे हैं और क्या रिस्पॉन्स है और आगे क्या क्या चाहते हैं क्योंकि इतना दिमाग इसमें खर्चा कर दिया है पैनल्स में इतने सारे डिस्कशंस हैं अभी अगले साल का सोच भी नहीं है क्योंकि बहुत सोचना पड़ेगा अब अगले साल नया क्या क्या करें सो अगले साल का मत पूछिए प्लीज़ अभी इस साल का बहुत स्ट्रेस है Apart from discussions, what are they going to do practically for, you know, actors and those who really need financial help when they are not working or otherwise? These topics, because practicality is more important, yes, hai, I think, discussions. Discussion ho ke khatam ho jata hai. Nahi. Achha. Actually, nahi ji. Main jab kahin bhi jata hun, कहीं पैनल डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है पैनल का तो अपना टॉपिक होता है वो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं लेकिन जब बात आती है सर आइए आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं आप अब इस नज़रिए से कोई भी किसी का भी इंटरव्यू देखिएगा जब वो अपनी जर्नी की बात करते हैं जो हाईज एंड लोज हैं एक्टर्स के और कैसे उसे हैंडल करते हैं हम जिसमें फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी भी आती है एट टाइम्स यू आर ब्रोक बच्चों की फ़ीस भी देनी होती है वो सब हम बेबाकी से डिस्कस करते हैं तो वहीं से सीखने को मिलता है कि कैसे हैंडल करनी चाहिए ये सब बातें so, इसलिए ये जितने रूबरू सेशंस हैं इसमें आप देखेंगे रोनित रॉय की जर्नी बहुत कमाल की रही है नीना गुप्ता जी एक्ट्रेस हैं रिबेल हैं प्रोड्यूसर भी रही हैं डायरेक्टर भी रही हैं टेलीविजन भी किया है थिएटर भी किया है अब फिल्मों में वापसी की है एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने के बाद कि हाय आई एम नीना गुप्ता आई एम अ गुड एक्ट्रेस एंड आई एम लुकिंग फॉर वर्क सो व्हेन वी आर लिसनिंग टू हर जर्नी It's a huge education. वहाँ से सीखने को मिल जाता है सब कुछ कि जी कैसे हैंडल करना चाहिए कैसे सर्वाइव किया जाए सो ये डिस्कशन अपने आप में सिर्फ ये नहीं कि शुरू और ख़त्म हो गया या आप बहुत कुछ लेके जाएंगे इस डिस्कशन से दैट्स आई वी अश्योर यू दैट द क्वेश्चन दैट यू आंसर्ड अबाउट हेल्थ एंड फाइनेंस एंड स्टफ एज सुशांत जस्ट मेंशन थ्रू आउट द ईयर फॉर ऑल आवर मेंबर्स वी सेंड आउट बल्क मैसेजेस एंड मेल्स Every fortnightly, we have sessions on insurance, sexual harassment, financial planning, health management, graphology, acupressure, acupuncture, yoga. The Brahma Kumaris do sessions with us. So throughout, we have a smaller space, but in another couple of months, when we move to the new Cinta office, which is the Cinta Tower behind Kokla Ben Ambani, we will have more space. To do a lot of work for our in terms of health related stuff. In fact, next year we have a very big panel that we've planned on health in the actor. This year we have because it was very little time because Aditi Govitrikar, Vidyut Jamwal, and Sonu Sood and Mandira Bedi were all traveling. We had a definitive panel on that, on health management, on what is it. But in 2 days. And in a place which is overcrowded, for example, the NMBT by college, which is right in the center of a lot of activity. And we have Rujuta Devekar's assistant, Jinal Shah. Dr. Jinal Shah is doing one session for us on health, if you see the complete plan. But on how do actors take care of their health, their experience is something that we'll definitely do next year. This year we are packed. We have got an intercollegiate theatre competition for all the colleges under the... Velepale Kelavani Mandal, that is NM, Mitibai, Praveen Gandhi, NMIMS, the Jitendra Chauhan College of Law. So five colleges participating in the intercollegiate competition, plus panel discussions, plus TED Talks, plus audition booths, plus improv sessions, plus Jashne Kalam, plus giving away the awards to our unsung heroes.
एंड आशीष विद्यार्थी इज टचिंग ऑन दिस हैंडलिंग फेलियर्स. सो वेट, दो दिन में हम जो कर सकते हैं, और ऑब्वियसली आफ्टर दिस, आफ्टर दीज टू डेज वी विल ऑल्सो इंटरनली सेट एंड एनालाइज कि वॉट ऑल वी नीड टू एड. वील नीड योर इनपुट्स एंड सपोर्ट, बट पोस्ट द 16th वील ऑल बी इन अ पोजिशन टू असेस वे वी वेंट राइट, वे वी वेंट रॉन्ग, एंड वॉट वी शुड डू एंड वॉट वी शुड नॉट डू द नेक्स्ट.